अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा डॉफिनोआज पोटैटोज। इट्स अ फ्रेंच डिश। तो आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में जो है वो आपको एक तो क्रीम चाहिए, ठीक है, चार गार्लिक क्लोव्स चाहिए, चार से पांच मीडियम पोटैटोज चाहिए, और यही मेरी बेकिंग पॉट होगा। उसके बाद आपको मिल्क चाहिए तकरीबन एक कप, थोड़ी सी चेडर चीज और थोड़ी सी मोजरेला चीज गार्निश करने के लिए। आइए तो मेथड की तरफ चलते हैं। सो पहले स्टेप में क्या करना है कि जो आपने जो गार्लिक लिया ना उसको आपने क्रश कर लेना है। दूसरे स्टेप में आपने क्रीम और थोड़ा सा दूध डाल के इसको पकाना है, वो मैं आपको बताऊं। सो पहले स्टेप में जो है वो आप क्रीम डालेंगे सारी इसमें, ठीक है, और साथ में आपने थोड़ा सा दूध डाल के तो इसको पकाना है और इसमें गार्लिक डाल के इसको पकाना है। तो यहां पे मैंने एक आपको क्रीम कहा था लेकिन आप दो ले लें, ठीक है। चूल्हा ऑन कर लें और साथ में दूध एक कप डाल के जो है वो आपने इसको पकाना है और इसमें गार्लिक क्लव्स डालने हैं। तो मैं अंदाजे से दूध डाल रहा हूं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ पे चलते हैं। जो चार हमने गार्लिक क्लव्स लिए क्रश किए हैं उनको इसमें डाल देंगे और इसको हम बॉयल करेंगे, ठीक है, मतलब बॉयल की तरफ लेके जाएंगे। तो मैं इसको बॉयल कराता हूं फिर आपसे नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं क्या करना है। ये देखें, अब ये बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसमें जो पोटैटोज है ना वो डाल के इनको थोड़ी देर हम पकाएंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट। अच्छा, इसमें मैं नमक और काली मिर्च जो है वो हस्ब जरूरत डाल रहा हूं, वैसे बाद में भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसी के अंदर जो है वो ऐड कर रहा हूं। तो अब ये जो है वो तैयार है। अब इसको हम थोड़ा सा इसमें पोर करेंगे और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी चीज डालेंगे, फिर जो रिमेनिंग आलू है वो पोर करेंगे और डालेंगे और फिर इसको बेक करेंगे 40 से 45 मिनट। अच्छा, ओवन को जो है वो मैंने 200 डिग्री सी पे जो है वो प्रीहीट कर लिया था। अब ये एक्चुअल में बेक हो रहा है तो मैंने क्या किया, मैंने उसको शिफ्ट कर लिया है दूसरे में। ये ऊपर ग्रेटन हो रहा है, इसकी रेसिपी आप मेरे वैसे मैं इसको डाल दूंगा ऊपर उसमें देख सकते हैं, लेकिन वो नीचे जो है वो मैंने उसका वो चेंज कर लिया है क्योंकि उसमें जरा मटीरियल ज्यादा था और डिश जरा छोटी लग रही थी। तो ये देखें जो है वो ये बेक हो गया और ये कुक्ड टू परफेक्शन है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैंने जो है वो रखा था तो ये जो है वो आलू भी सही तरीके से पक चुके हैं। ये अराउंड अबाउट 45 मिनट्स बेक हुआ है, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह।